हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्स सरकारी नौकरी में। फ्रेंड, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए देश दुनिया और शिक्षा जगत की तमाम खबर साथ बने रहें, जुड़े रहें। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार वेल्ट्राम के लेटेस्ट न्यूज़ से, जो हाल ही में रिजल्ट पब्लिश किया गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो काफ़ी जो है उसमें चल रहा है डिस्कसिंग कि क्या होगा, कैसे होगा ज्वाइनिंग, बहुत सारे तमाम सारे अफवाहें चल रही हैं। तो उसके लिए आपको सारे जो है क्लियरफाई कर दिया जाएगा इस वीडियो में, बने रहें जुड़े रहें, सारी बातें बताई जाएंगी इस वीडियो में, कैसे होगा क्या होगा। तो फ्रेंड चलती है, देखते हैं जो वायरल हो रही है फेसबुक व्हाट्सएप जगह जगह, आखिर उसकी क्या सच्चाई है क्या नहीं है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं ये फाइनल रिजल्ट ऑफ टाइपिंग टेस्ट DEO कैंडिडेट जो क्वालिफाइड किए हैं 18, 19, 20, 21 फरवरी को जो हुआ था। तो जो पूर्व में जो लिस्ट निकाला गया था 7411 कैंडिडेट का, तो वही सारी लिस्ट है, लेकिन इसमें जो है सीक्वेंस जो है रजिस्ट्रेशन नंबर का जो दिया जा रहा है वैसे नहीं है। मार्क्स बेसिस पर ये सेटिंग होता है, जैसे आप भी कर सकते हैं फिल्टर एक होता है, उस तरह करके आप भी जो भी एक्सेल में करके आप कर सकते हैं हायर मार्क्स लोअर मार्क्स, इस तरह सेटिंग कर सकते हैं। तो वहीं सारी ये सेटिंग की गई है, जिससे कि काफ़ी छात्र जो है इस जो है अफवाह में पढ़ चुके हैं कैसे होगी ज्वाइनिंग हो। तो आपको पूर्व में जैसे बताया गया है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन कि जो भी ज्वाइनिंग होगी अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन टाइम टू टाइम वैकेंट जो भी डिस्ट्रिक्ट में होगा सीटें खाली उस हिसाब से आपकी होगी। ऐसा नहीं कि आपका रजिस्ट्रेशन बिलो है तो आपकी ज्वाइनिंग लास्ट में होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपका जो है लिस्ट में नेम बीच में है लास्ट में पहले, उससे कोई मतलब नहीं। एवरी डिस्ट्रिक्ट में देखा जाएगा कि कितने कितने कैंडिडेट पास हैं और जो किस किस ज़िले में कार्य करना चाहते हैं, जो भी उस ज़िले में जितने भी व्यक्ति पास हैं उन लिस्ट से लिया जाएगा और उनमें जिनका हायर मार्क्स होगा उनको प्राथमिकता देते हुए में भी ऐसा हो सकता है। तो आप निश्चिंत रहें, किसी भी अफवाहों में न पड़े। ये जो आप देख रहे हैं ये सारी वही हैं, तो इसमें सीक्वेंस नहीं है, रजिस्ट्रेशन का क्रम नहीं है, सेटिंग के तहत सारी हुई हैं, ऑफिशियल साइट पर भी नहीं है, लेकिन जो PDF पूर्व में है वही सारी इसमें सेम है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप पास हैं तो पास हैं, आपको ज्वाइनिंग हर हाल में होगी, डिले हो सकता है लेकिन ज्वाइनिंग हर हाल में होगी सभी का। टाइम टू टाइम वैकेंट से ये देख सकते हैं नेम कैटेगरी फिजिकल हैंडिकैप जेंडर MCQ करेक्ट इंग्लिश हिंदी और टोटल मार्क्स ये सारे किया गया है फिल्टर वाइज। तो इस तरह आप इन सभी अफवाहों से बचें और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें। डॉक्यूमेंट्स के लिए आप वहीं मैट्रिक टू हायर जो भी हैं एजुकेशन अगर दिए हैं तो दे सकते हैं, और नहीं तो मिनिमम जो आपका इंटर है वो तो होना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट जो भी है आपका वो होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ SLC, इसके साथ रिजर्वेशन के लिए कास्ट जो है रेसिडेंट भी आप कर लेंगे, इनकम सर्टिफिकेट यदि सफिशेंट है तो कास्ट, उसके बाद आपको 1 ईयर का जो है ADCA सर्टिफिकेट या कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो कि 1 साल का हो, BCA अगर किए हैं तो चलेगा, आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये 3 ईयर्स का है। इसके साथ ही आप अपना जो भी है ID के लिए
आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है आपके वो होना चाहिए। जहाँ पे भी आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपके लिए बैंक अकाउंट में होना चाहिए। तो फोटो वगैरह तो ये सब नॉर्मली है, आप जानते ही हैं। इसके साथ ही आपने जो पूर्व में फॉर्म फिलअप किया है वेल्ट्रान का, तो वो आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म होगा वो तो होगा ही। इसके साथ ही आपने जो CVT दिया है रिटेन का, उसका एडमिट कार्ड होगा। टाइपिंग का दिया है तो उसका एडमिट कार्ड होगा, तो ये भी आपको होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लेंगे और ये आपके ज्वाइनिंग में जो है मदद करेंगे। अब तक जितने भी पूर्व में हुए हैं, प्रोग्रामर को छोड़कर किसी अन्य की जो है डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है वेरिफिकेशन, लेकिन इस बार में भी चेंज हो सकता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी जो भी आपने बताया है, चाहे जिस भी डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग होती है वहाँ पे जो है देना होता है, या मे बी वेल्ट्रान जो है आपको एक बार फिर से DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला सकता है और आप अपने जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। रूल्स चेंज हुआ है तो पूर्व की भांति उसमें चेंजेज हो सकते हैं। सारे कई सारे गुट बन रहे हैं, देखा जा रहा है फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह, जो किसी एक में पास है वो अपना अलग संगठन बना रहे हैं, कोई दो बोथ में पास हैं तो वो अलग, फेल कैंडिडेट जो है अलग बना रहे हैं, जो टाइपिंग में फेल हैं उनका अलग गुट बन रहा है, जो CVT में फेल हैं उनका अलग, तो ये तमाम सारे बन रहे हैं। लेकिन आपको सारी अफवाहों से दूर रखना है, आप सफल हैं तो सफल हैं और आपकी ज्वाइनिंग सुनिश्चित है, डिले हो सकता है। रही बात जो लोग फेल हैं या जो भी हैं टाइपिंग में CVT में, तो उन सभी के लिए टाइम टू टाइम जो भी है मौका दिया जाता है, न कि अगर आप चाहते हैं आज ही हुआ तो कल फिर से लिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप चाहते हैं आज एग्ज़ाम दिए और कल रिजल्ट आ जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं। जो पॉलिसी है, जो रूल्स है, रेगुलेशन है, जो कि पूर्व की भांति होती आ रही है वैसे ही होगा। आप थोड़ा सब्र रखें, निश्चिंत रहें, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करें जिससे कि जन हन धन या सार्वजनिक संपत्ति जो भी है या किसी को भी नुकसान उठाना पड़ सके। आप सारी कार्यों को प्रोसेस से करें, सबके होंगे जो प्रूफ की प्रोसेस हैं तो फॉलो किया जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपकी एग्ज़ाम कल ही ले लिया जाए फिर से, तो क्या आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे? नहीं करेंगे। काफ़ी सफिशियंट टाइम है, फिर से आप अपनी सारी बातों को भूल के एक बार नए सिर से कीजिए, आप भी सफल होंगे, उस जगह पे होंगे। इसके साथ ही आप अपना जो प्रोसेस करना चाहते हैं कर भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट लाइफ में समझ सकते हैं सारी बातें, जो पास हैं या फेल हैं तो उन पे क्या बीतती होगी। आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि एकता में ही बल है, संगठन में ही बल है। जो भी है आप कर सकते हैं, कीजिए। उसमें जो भी है डिपार्टमेंट द्वारा आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से बताई जाएगी। यह तभी संभव होगा जब आप अपनी आवाज़ों को उठाएंगे, अपनी मांगों को, क्योंकि पूर्व में आपने देखा जिस तरह आपने तमाम सारे मेल लेटर्स वगैरह किए, तभी जो है आपको सारे जो है क्लियरिफाई कर दिया गया, आंसर शीट वगैरह क्या नहीं पब्लिश किया गया, लिस्ट वगैरह, क्वेश्चन मार्क, तो हर चीज़। तो फिर से आप अगर अपनी मांगों को करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो निश्चित ही आपके भी समक्ष जो भी है परिणाम आएंगे। तो आप भी अपना जो करना है कीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इन सारी जो है किसी की भी समस्याओं को ज़्यादा मतलब कोई भी ऐसी कार्य नहीं कीजिए जिससे समस्याएं पैदा हो, उन सभी से दूर रहें, विद प्रोसेस करें, क्योंकि डिपार्टमेंट सभी के लिए है, सभी के न्यायपूर्ण संगत जो भी है, कोई भी इलीगल तरीके से नहीं, लीगल तरीके से सारी की जा रही है
डिपार्टमेंट के द्वारा आप पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है, उस पर जो है ऐसी उंगली उठाना उचित अनुचित नहीं है। आप देख ही रहे हैं तमाम सारे लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी रिजल्ट हुए तो क्या ये सारी पारदर्शिता के साथ हुए, इसमें कोई दोहराया नहीं। तो पूर्व में जो भी रिजल्ट दिए जाते थे आपको CBT में 18 और इंग्लिश में 25 और हिंदी में 20 लिए जाते थे, लेकिन इस बार जो है उलट फेर किया गया और CBT में 30, इंग्लिश में 30 और हिंदी में 25, लेकिन चेंजिंग यही कर दिया गया किसी एक में क्वालिफाइंग है तो आपका रिजल्ट पब्लिश किया गया, इसलिए कि काफ़ी सारे स्टूडेंट नहीं मिल पाए। लेकिन जो है रिक्वायरमेंट जो निकली है उसको बहाली तो करनी है डिपार्टमेंट को, इसलिए किया गया इस तरह। तो अगर आप भी अपनी मांगों को मांगते हैं कि 18 पर लिया जाए, तो मैं भी आपके कुछ डिपार्टमेंट द्वारा जो भी है जवाब दिया जा सकता है। और जो टाइपिंग में लोफिन है पर वो भी अपनी मांगों को करते हैं, तो उनके लिए भी कुछ जो भी है सूचनाएँ डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाएगी। आपको यह अगर अवगत करा दिया जाता है कि आपके जो टाइपिंग में फेल हैं टाइपिंग उनका लिया जाएगा, जो CBT में फेल है उनका CBT लिया जाएगा। अगर इन सारी बातों को अवगत करा दिया जाता है अभी से, तो निश्चित ही ये सारे जो विवाद हो रहे हैं जिन बातों का, वो निश्चित ही आपके कम हो जाएंगे। इन बातों को अगर आप मांगते हैं ये स्पष्ट कर दिया जाए, फिर से जो है जो 3 times दिया जाता है मौका, तो क्या वह आपको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अगर यह बातें अभी से स्पष्ट हो जाती हैं, इन बातों को अगर रखते हैं अपनी मांगों में, तो निश्चित ही यह आपके अनुकूल होगा और आप जो है हिंदी या इंग्लिश जो आप इतने दिनों से भ्रम की स्थिति बनी हुई थी वह दूर हुई, लेकिन फिर से अब एग्ज़ाम होगा या ना इसकी भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। तो कुछ जो भी है आप फैक्चुअल करें, एक्चुअल मान। तो फ्रेंड्स आप जो भी है फैक्चुअल जो वास्तविक है जिससे कि जो संभव है वो मांग करें, कि जो जो भी है टाइम टू टाइम जो भी प्रोसेस करती है करें, उसमें कोई दोहरा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अस्पष्ट रूप से क्लियरिफाई कर दे कि यह भ्रम की स्थिति जो है बनी हुई है या आगे भी बनी रहेगी, वह बनी ना रहे। और सभी छात्र जो है जिस प्रकार किसी भी डिपार्टमेंट का, चाहे वो बैंकिंग, रेलवे, SSC, UPSC, BPSC, अलॉट ऑफ एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया में जो होते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से सारी बातें जो है कर दी जाती हैं। तो वह स्पष्ट अगर बातें हो जाती हैं तो कुछ आपको जो है आपके हित में होता है, आपको राहत मिलती और आप अपने जो भी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग मजबूती से कर सकते। इन बातों को अगर आप मांगते हैं तो निश्चित ही यह सभी के हित में होगा। यह चैनल आप सभी के लिए है, आपके सभी के हित के लिए, ऐसा कोई भी पक्ष या विपक्ष का यहाँ बातें नहीं होती। आप पास हैं या फेल हैं, सभी के साथ सदैव ऑलवेज विथ लक्ष्य सरकार नौकरी सबों के हित के लिए जो है कार्य करता है। सारी समस्याएं सुनी जाती हैं और सभी के लिए फैक्ट जो भी है बातें बताई जाती है, एक्चुअल जो होनी चाहिए वो बातें बताई जाती है, कोई भी रंगली न्यूज या स्पष्ट बातें बताई जाती हैं, जिससे कि जिस उद्देश्य से जुड़े हैं उस उद्देश्यों की प्राप्ति हो, आप उस मिशन को प्राप्त करें और अपने जीवन में कुछ बने। अगर आप के मन में कोई भी क्यूरी हो पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ऐसी स्थिति अभी हमें प्रतीत हो रही है, इसलिए यह वीडियो बनाना ज़रूरी हुआ। काफ़ी सारे जो है भ्रम की स्थिति सभी छात्रों के मन में बनी हुई है, तो इन जो फैक्चुअल है वास्तविक है इनसे रूबरू होइए। इन चीज़ों को आप अगर आपको स्पष्ट कर दी जाती है डिपार्टमेंट द्वारा, मांगते हैं अपनी मांगों को, तो निश्चित ही आपके लिए भी सकारात्मक ये परिणाम होंगे आने वाले समय में।
तो इन सभी बातों का ख्याल रखें, क्या करना है क्या नहीं करना है, आप स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं, सारी बातों को समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मन में कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। सभी कैंडिडेट, चाहे वो फेल हो पास हो, अलॉट ऑफ स्टूडेंट पूछते हैं अपने क्वेरी को और अपने सल्यूशन को पाते हैं। आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाता है, हर कमेंट को रीड किया जाता है, सभी के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाता है, न कि किसी के प्रति पक्ष या विपक्ष की ऐसी कोई बात नहीं है। ऑलवेज विथ यू, आपके सब के हित के लिए सदैव लक्ष्य सरकारी नौकरी बाई संतोष सर हमेशा सदैव आप सभी सवालों का जवाब देते हैं और आपके साथ रहते हैं, आपकी हर समस्याओं का समाधान करते हैं। इसके साथ ही आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, चाहे वो टाइपिंग की हो, चाहे CBT की हो। तमाम सारे लॉट ऑफ स्टूडेंट इस चैनल के माध्यम से सफल हुए, CBT के माध्यम से टाइपिंग दिए, सभी तरह से सफल हुए इस चैनल के माध्यम से जुड़ के अपनी सारी समस्याओं से अवगत होकर पहले ही उस डाउट्स को क्लियरिफाई कर लिए और आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर लिए, चाहे CBT हो, टाइपिंग हो। बहुत सारे कमेंट आए तो सभी मित्र से फ्रेंड का तहे दिल से स्वागत है कि आपको जो है चैनल लाभान्वित हुआ और आगे भी अनवरत जो भी ऐसी सूचनाएँ आएंगी तो वह सारी स्पष्ट कर दी जाएंगी। जो भी है आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से बताई जाती है, उसमें कोई जो है ऐसी बातें नहीं बताई जाती है जो कि आपको भ्रम की स्थिति हो, सभी जो है क्लियरिफाई किया जाता है। देश दुनिया और शिक्षा जगत की तमाम खबरों के साथ बने रहें, जुड़े रहें। हैव यू एनी क्वेरी, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल ट्राई टू बेस्ट गिव यू ऑल। प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो, हैव यू एनी क्वेरी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट, तब तक के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।